नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो आज का वीडियो इसी बारे में है। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आपके सामने जो लिस्ट है वो है सेलेक्शन लिस्ट है। इसमें दोस्तों उन सभी के नाम भी हैं जिनको इन एलिजिबल घोषित किया गया है या जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। तो सबसे ऊपर तो जनरल कैटेगरी की सेलेक्टेड लिस्ट दी गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो जनरल में टोटल पोस्ट 25 थी, जिसमें से 2 पोस्ट पीएच के लिए थी। तो यहां पर जो कैंडिडेट मिले हैं वो 23 कैंडिडेट ही मिले हैं और पीएच में जो पोस्ट थी वो खाली रह गई हैं, यानी कि जनरल में 2 पोस्ट खाली रह गई हैं पीएच कैटेगरी की। इसमें आप नाम देख सकते हैं, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कट ऑफ मार्क दिया गया है जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क है वो है 88.09 मार्क्स। इसके बाद यहाँ पर जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट दी गई है जिसमें 3 लोगों के नाम दिए गए हैं और वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ है वो है 87.49 मार्क्स। इसके बाद ओबीसी में जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट उनकी लिस्ट दी गई है। तो ओबीसी में टोटल पोस्ट 7 थी और जिसमें से 7 की 7 सीटें भर चुकी हैं और ओबीसी का कट ऑफ मार्क है 86.98 मार्क। इसके बाद नीचे ओबीसी की वेटिंग लिस्ट दी गई है जिसमें 2 कैंडिडेट को लिया गया है और ओबीसी की वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ मार्क है वो है 86.53। इसके बाद एससी कैटेगरी एससी की सेलेक्टेड लिस्ट दी गई है। एससी में टोटल पोस्ट 7 थी जिसमें से 1 पोस्ट पीएच के लिए थी, तो यहाँ पर सिर्फ 7 सीटें ही भरी गई हैं, पीएच कैंडिडेट की पोस्ट खाली है क्योंकि किसी भी पीएच कैंडिडेट ने न्यूनतम मार्क हासिल नहीं किए हैं, इसलिए सीट खाली रह गई हैं। और एससी के कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो एससी का कट ऑफ गया है 83.92। इसके नीचे दी गई है एससी की वेटिंग लिस्ट दी गई है जिसमें 2 नाम हैं और एससी की जो कट ऑफ मार्क है वो है 80.88। इसके बाद है एसटी कैटेगरी की सेलेक्टेड लिस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 9 थी जिसमें से 9 सीटें भर चुकी हैं, तो यहाँ पर एक भी पोस्ट खाली नहीं है। और एसटी के कट ऑफ की बात करें तो एसटी का कट ऑफ गया है 63.46 मार्क। वेटिंग लिस्ट दी गई है और एसटी की जो वेटिंग कट ऑफ गई है वो है 62.62। तो ये एसटी वेटिंग लिस्ट कट ऑफ है। इसके बाद यहाँ पर यह भी दिया गया जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था ये वाला, वो अपने मार्क एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से देख सकते हैं। इसके बाद उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन एलिजिबल पाए गए हैं, तो यहाँ पर उनकी भी लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रीज़न दिए हुए हैं कि जैसे यहाँ पर रिमार्क दिया गया है कि किस वजह से इनका नाम इन एलिजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर प्रेफरेंसी सर्टिफिकेट जो सीबीसीटी है उसमें इनका कंप्यूटर प्रेफरेंसी सेक्शन पास नहीं था। तो इस तरीके से सभी का लगभग सेक्शन 1 नॉट क्वालिफाइड था और उन्होंने अप्लाई कर दिया था। इसी तरीके से और भी कुछ लोगों के दिए गए हैं जिनके डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुए हैं लास्ट डेट तक। सीपीसीटी सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, यानी कि इनका जो सीपीसीटी सर्टिफिकेट था वो 27/3/2016 के बाद का था या उस समय जारी हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए।
धन्यवाद दोस्तों।